बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पिछले दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। पुलिस ने सलमान के घर पर जाकर उनसे पूछताछ भी की। आपको बता दें कि सलमान को धमकी मिली थी कि उनको सिद्धू मूसेवाला की तरह ही मार दिया जाएगा। अब इस मामले पर सलमान खान ने अपना बयान दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। फाइनली सलमान खान का स्टेटमेंट सामने आ गया है पुलिस को दिया हुआ, जहां पर उन्होंने जो उनको धमकियां मिल रही थी जान से मारने की, उस पर बातें की हैं। सलमान खान ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि धमकी वाले लेटर को लेकर मुझे किसी पर शक नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में साल 2018 से जानता हूँ, जब उन्होंने मुझे पहली बार धमकी दी थी। मैं नहीं जानता कि गोल्डी बरार कौन है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सवाल पूछे हैं। सलमान खान से पूछा गया क्या उन्हें किसी भी तरह की धमकी भरी कॉल आई थी, या फिर मैसेज आया था, या फिर उनका किसी के साथ कोई मनमुटाव हुआ हो। इस सवाल के जवाब में सलमान खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में उनकी किसी के साथ कोई बहस नहीं हुई, ना ही कोई कॉल आई, ना ही धमकी भरा कोई मैसेज। सलमान ने बताया कि मुझे लेटर नहीं मिला, मेरे पिता को मिला है, वो भी मॉर्निंग वॉक के दौरान। मेरे पास कुछ नहीं है किसी पर शक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जिस तरह से जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद मुंबई पुलिस भी एक्शन में आ गई। मुंबई पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि जिस वक्त उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर मिला, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए कई सारे ऑफिसर्स को वहां पर तैनात भी किया गया। इसके साथ ही सलमान खान का बयान भी रिकॉर्ड किया गया, जहां पर उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से उनको धमकी मिल रही है, क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। इस पर सलमान खान ने अपना स्टेटमेंट फाइनली दे दिया है और बता दिया है कि उनकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। सलमान खान ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो गोल्डी बराड को नहीं जानते, वो लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं और पिछले कुछ सालों से चलते आ रहे केस की बदौलत। हालांकि वो लॉरेंस के बारे में उतना नहीं जानते जितना सब जानते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक अज्ञात शख्स ने लेटर भेजा था। ये लेटर संडे को बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनाड में मिला। लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला था जहां सलीम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। इस धमकी भरे लेटर में लिखा था कि सलमान खान, बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। इस मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान को धमकी भरा लेटर मिलने से पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, सलमान खान को ये लेटर मिलने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और पुलिस ने इसके साथ ही सलमान खान से तो पूछताछ की ही, लेकिन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी इस बारे में पूछा गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने ये साफ कर दिया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।